नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो रिसेंटली वेस्टर्न मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जिनके अकॉर्डिंग जो पिछले साल नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन डैमेज हुई थी वो डैमेज इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रो यूक्रेनियन ग्रुप ने कराई थी। आपको याद होगा पिछले साल नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किसी अननोन ग्रुप ने डैमेज करी थी जिसका पता अभी तक नहीं लगाया गया। नाउ सबसे पहले यहाँ पर आपका सवाल होगा कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है क्या। दरअसल ये नेचुरल गैस पाइपलाइंस का नेटवर्क है जो कि बाल्टिक सी के अंडर बिछाई गई है, जो कि रशिया और यूरोप मेनली जर्मनी के साथ नेचुरल गैस की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कनेक्टेड है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये पाइपलाइन यूरोप की लाइफलाइन कही जाती थी क्योंकि यूरोप की नेचुरल गैस का मेन सोर्स ऑफ सप्लाई यहीं से आता था। बट जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है और रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हैं तब से ये सब कुछ बदल गया। नाउ रशिया इन पाइपलाइन का यूज़ करके यूरोप की धीरे धीरे गैस सप्लाई टर्न ऑफ कर रहा है और यूरोप को अदर ऑप्शंस ढूंढने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं हम नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक्सप्लोजन विवाद की बात करें तो बेसिकली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस दो पाइपलाइन से बटी हुई हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2, जिसे कि 26 सितंबर 2022 को एक्सप्लोजन से ब्लास्ट किया गया था। नाउ इसको लेकर कई रिपोर्ट्स निकल कर आई है पर इसके पीछे कौन है इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। हालांकि मैं यहां पर यह कहूंगा कि रशिया, यूक्रेन और यूएस इन तीनों में से कोई एक हो सकता है जिसने ये काम किया हो। बट लेटेस्ट जो रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया में निकल कर आई है इनके अकॉर्डिंग प्रो यूक्रेनियन या एंटी रशिया ग्रुप इस एक्सप्लोजन के पीछे हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि दोनों रशिया और यूक्रेन इस रिपोर्ट के अगेंस्ट है। अब आप कहोगे वेट, यूक्रेन का तो समझ में आता है कि ये इस रिपोर्ट के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली रिपोर्ट यूक्रेन को टारगेट कर रही है। पर वहीं रशिया इस रिपोर्ट को डिसमिस क्यों कर रहा है, और परहैप्स हम देखें तो ये रिपोर्ट रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि रशिया का टेक दूसरी तरफ है। रशिया का मानना है कि यूएस ने इस पाइपलाइन को डैमेज किया और मोस्टली अमेरिका पर ही इस एक्सप्लोजन का ब्लेम रशिया डाल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक्सप्लोजन के पीछे कौन है, रशिया, यूक्रेन या यूएस। तो खैर वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।